नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ साहो इंजीनियरिंग वर्क्स की तरफ से आप सभी को स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम बेस फाउंडेशन से। यहाँ बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नीचे चैनल्स दिए जा रहे हैं। गाड़ी के स्ट्रेंथ के लिए हमने यहाँ अच्छे क्वालिटी के एंगल, चैनल और सीट का इस्तेमाल किया है। इसका ये बॉक्स बटन डिज़ाइन गाड़ी को एक बल्की और मस्कुलर लुक देती है। गाड़ी के ऊपर चढ़ने के लिए हैंडल भी दिया गया है। अभी दोस्तों चेन पुले के माध्यम से इस बॉडी को पिकअप के चेसिस में लोड किया जाएगा। यहाँ पर देखिए कैरियर की ये जो हाफ कट फ्लावर डिज़ाइन, अब तक जितने भी बॉडी हमने बनाई है उनमें से कुछ अलग यहाँ किया है। अब ये बॉडी पिकअप के ऊपर पूरी तरह से लोड हो चुकी है। यहाँ कुछ नट बोल्ट फिक्स किए जा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस गाड़ी की ज़्यादातर काम ख़त्म हो चुके हैं अभी, और आप एक बार इसकी डिज़ाइन देखिए। यहाँ व्हीकल के लेफ्ट साइड में कैरियर के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी दिया गया है। अंदर की तरफ भी इनबिल्ट बॉडी को 2 mm सीट से सील किया गया है ताकि कंपनी की बॉडी पूरी तरह से क्लीन और सेफ रहे। अब हम आते हैं इसकी कलर वर्क्स पर। इस बॉडी पर प्राइमर की कोटिंग दी जा चुकी है। कलर करने से पहले इस बॉडी की कुछ ये लुक है, और कंप्लीट कलर वर्क्स होने के बाद इसकी कुछ और ही लुक होगी। बस दोस्तों कुछ वक्त और पूरी तरह से ये गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये रहा आपके सामने कैबिन के ऊपर की कैरियर। गाड़ी के राइट साइड की व्यू, लेफ्ट साइड से एक व्यू, इस गाड़ी की काम अभी खत्म हो चुकी है और समय है एक कस्टमर रिव्यू की। तो जैसे कि ये गाड़ी हम देख रहे हैं, आप खुर्दा से लाए हैं, तो आप इसका एक ओवरऑल रिव्यू क्या देना चाहते हैं और हमारा वर्कशॉप के बारे में? आपका बहुत बढ़िया, अच्छा काम करता है, सब लोग अच्छा काम करता है, प्रिंटिंग हो, बड़ी काम हो, जो भी कुछ हो सब कुछ अच्छा है। मजबूती बहुत, गाड़ी भी बड़ा मजबूत किया है। और मैं तो बोलना चाहता हूँ सब लोग इधर ही आते हैं, क्या काम करना चाहते हैं।